चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। प्रमुख समाचार। समान कार्य समान वेतन का मुद्दा विधान परिषद में उठा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही योगी सरकार। श्रम मंत्रालय का आदेश 550 से कम नहीं दिया जा सकता है मानदेय संविदा कर्मी। बीजेपी प्रवक्ता प्रिंस पंडित ने कहा, लखनऊ में मिले विक्रम सिंह, हम करवाएंगे ये मांगे पूरी। ट्रांसफर पोस्टिंग, होम ब्लॉक, ऑटो रिन्यूबल, 100 बच्चों की वार्ता, मांग पूरी होगी जून तक आश्वासन दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि योगी सरकार में ही होगा संविदा कर्मियों का समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशक न्यूज़। साथियों, यहां पर आपको बताना चाहेंगे फिर से विधान परिषद में उठा है समान कार्य समान वेतन का मुद्दा। योगी सरकार क्यों नहीं दे रही है समान कार्य समान वेतन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है यूपी सरकार के द्वारा। जवाब में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार में ही होगा समाधान। स्पेशल कवरेज न्यूज़ के माध्यम से शिव कुमार मिश्रा जी के अनुरोध पर बीजेपी प्रवक्ता प्रिंस पंडित जी ने विक्रम सिंह से वादा किया है कि वो आपकी 3 मुख्य मांगें पूरी करवाएंगे जून तक। लखनऊ में मिलने के लिए कहा है और कहा है कि हम आपकी ये 3 मुख्य मांगें पूरी कराएंगे। कौन सी वो 3 मुख्य मांगें, सुनते हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ के द्वारा ये समाचार। चले जाते हैं तो क्या अनुदेशक की मदद कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में? सर, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर का भी बहुत बहुत आभार और भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय प्रिंस पंडित जी का भी आभार और हमारे भाई राजीव शुक्ला जी को भी आभार। सर, शिव प्रताप शुक्ला जी पहले भी राज्यसभा सदस्य थे हैं और एक वित्त राज्य मंत्री भी थे और योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री हैं। तो सर, कौन बनता है, कौन है, कौन नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति गोरखपुर का नहीं है राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो हम लोगों को नहीं जानता है, हम लोगों के मुद्दे को नहीं समझता है। हम लोगों ने किसी भी व्यक्ति का दरवाजा खटखटाने लगातार खटखटाते रहे हैं सर। किसी का भी हर व्यक्ति के पास हम लोग गए हैं, चाहे वो MLC देवेंद्र प्रताप जी हो, चाहे शिव प्रताप शुक्ला जी हो, और मुख्यमंत्री जी से तो मैं 56 बार सर मिल चुका। इधर हमको मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। मैं बार बार समय मांग रहा हूं लेकिन मुझे मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं गोरखपुर में मिलने का प्रयास नहीं करता हूं, मैं लखनऊ में मिलने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन लखनऊ में मुझे मिलने का समय नहीं दिया जाता है। तो सर, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, हमारा मुद्दा तो इधर 6 साल से चल रहा है। यही सारे व्यक्ति जब विपक्ष में थे, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे और शिव प्रताप शुक्ला जी है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो भारतीय जनता पार्टी का, जब ये विपक्ष में थे तो हमारे मुद्दे को हमारे धरने में आते थे, हमारी बात को आगे बढ़ाते थे। लेकिन जब सत्ता प्राप्त हो गई तो अब हमको याद नहीं करते हैं, अब हमारे मुद्दे को ये चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते हैं। और सर, मैं आपको बताऊं, राज्यसभा की सीटें खाली हो गई, वो तो भरना बहुत जरूरी है। विधान परिषद की सीटें खाली हो गई, वो भरना बहुत जरूरी है। विधानसभा का चुनाव होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इस प्रदेश के युवाओं के जो रोजगार के जगह खाली होते हैं, क्या इतनी तत्परता से वो नहीं भरी जानी चाहिए? आज 72,000 ग्रुप डी में पद को सरेंडर कर दिया गया है, क्या उसी प्रकार से 11 राज्यसभा के सीट को इसको सरेंडर नहीं किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता है? लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी चिंता है, इस प्रदेश के युवाओं की चिंता नहीं है। भारत में 65% युवा आबादी है लेकिन युवा की चिंता कोई नहीं करता है। जब वोट लेना हो तो कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। अरे, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली है सरकार, मिशन शक्ति की चलाने वाली सरकार, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ये बताने का कार्य करेगी कि हमारे 27,000 अनुदेशक में 65% महिला अनुदेशक है, क्या उसको महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है? इस प्रकार से वो 233.33 रुपया में 110 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है सर, और उसकी शादी वो रहने वाली होती है बहराइच की, उसकी शादी होती है लखनऊ में, वो रहने वाली होती है बस्ती की, उसकी शादी होती है बलरामपुर में, और ये जो सामाजिक बंधन है इसको भी आप उसके पति पत्नी को एक जगह रखने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जिस महिला की जिस जनपद में शादी हो या जिस ब्लॉक में शादी हो उसको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए? अभी आप अध्यापकों के लिए नियम बना रहे हो ट्रांसफर का, जो 70,000 पा रहा, 80,000 पा रहा, अरे हमको भी 70,000 पा रहा, हम जम्मू कश्मीर में जाकर नौकरी कर लेंगे,
हमको भी 70,000 सरकार दे, हम जम्मू कश्मीर में जाके नौकरी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 7,000 रुपया में किस प्रकार से महिला निदेशक, किस प्रकार से पुरुष निदेशक अपनी ड्यूटी करते हैं, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। अपनी राज्यसभा की सीटों के लिए तो सब चिंता है, 30,000 नॉमिनेशन है, उससे पहले नाम आ जाएंगे, लेकिन बेरोजगारों की चिंता नहीं है, अनुदेशकों की चिंता नहीं है, इस देश के युवाओं की चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता करनी है तो अपनी चिंता करती है करनी है। और इस देश के सांसदों को 600 रुपया प्रतिदिन अपने रिजल्ट के लिए मिलते हैं, हमको 33 रुपया 33 पैसा मिलता है। इस देश के गृह मंत्री 850 रुपया बोतल की पानी पीते हो और हमको 233 रुपया 33 पैसा देते हो। हम भी पूरे मनोयोग से 6 से 8 घंटा ड्यूटी करते हो। भाजपा के प्रवक्ता चले गए, क्यों नहीं जाएंगे? आ गए आप बात तो सुन लो, हमारी भी तो सुन लो। रुके तो सब, जब हम उनसे कुछ पूछ पाए। प्रिंस जी आ गए। विक्रम सिंह के संगठन को, अनुदेशक संघ को, जो अनुदेशक है विक्रम सिंह के अनुदेशकों को, इस राज्य के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जब विधायक होते तो लेटर लिखते हैं कि जो अनुपमा जायसवाल तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वादा किया था 70,000 का, वो वेतन दे दिया जाए। लेटर मेरे पास है, आप कहेंगे तो भेज दूंगा। उसके बाद सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री हो जाते हैं, वो लेटर गायब हो जाता है, पता नहीं लगता। सतीश द्विवेदी कहते हैं एक रुपया नहीं बढ़ाऊंगा अनुदेशकों का। सारे अनुदेशक मिलके, बेसिक शिक्षा मिलके, उन्हें वहां तब चुनाव हरवा दिया जब पूरे प्रदेश में बुलडोजर चल गया। आज संदीप सिंह है, इनकी 3 मूलभूत समस्याएं बहुत ज्यादा है जिन पर कोई सरकार का पैसा खर्च नहीं होगा। पहली समस्या जी, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो इनके जीओ में लिखा हुआ है जी, इनको इनके होम ब्लॉक में लिखते जाइए, होम ब्लॉक में। बहुत अच्छे मित्र हैं संदीप जी, इसलिए मैं आज आपसे ये सब बातें कह रहा हूं, वरना कहने का कोई मकसद नहीं होता है जी। भाई संदीप जी को बताइए, इनका गृह जनपद में और होम ब्लॉक में इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। सरकार का कोई नुकसान नहीं, सरकार का कोई दबाव नहीं, केवल इनका समायोजन होना है। और उसमें ये 7,000 के वेतन में 100 से 150 किलोमीटर तक जाती है। खास करके इसमें रायबरेली के अनुदेशक बहुत परेशान है, वहां से कट के अमेठी जिला बन गया है। और अमेठी जिले की जो एक ब्लॉक है वो रायबरेली में सम्मिलित कर दी गई है, वो आज भी रायबरेली में ड्यूटी करने जाते हैं 125 किलोमीटर। दूसरी चीज, इनको रिन्यूअल के नाम पर इनके एबीएस उपखंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी उतना नहीं प्रताड़ित करते जितना उस स्कूल का हेडमास्टर करता है। इटावा का एक हेडमास्टर महिला अनुदेशक से कह रहा था शारीरिक संबंध बनाइए तब मैं लिखूंगा। उस दौर में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां महिला सुरक्षा महिला के लिए सबसे आगे सरकार रहती है, इटावा का स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय। तीसरी बात, इनका 100 बच्चों का सबसे रिन्यूअल का मामला आ जाता है कि 100 से कम है तो रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, दोहन होता है। संपर्क जुड़ने दो, फिर मैं बात करता हूँ। महिला अनुदेशक बड़ा विषय, महिला अनुदेशक की जो शादी वाली जी, अभी अभी लोग अभी आते हैं तभी बात रखता हूँ। क्योंकि तीसरा जो सबसे अहम विषय है वो है कि महिला अनुदेशक है 65%। महिला नौकरी करती थी झांसी में, उसका शादी हो गया मुरादाबाद में। अब मुरादाबाद में तो पति रहता है, वो तलाक ले लेंगे तुमसे या हमारे यहाँ। तो जिन महिलाओं की शादी हो गई है उन्हें उनके जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए तो उनके परिवार बच जाएंगे। ऐसे कम से कम 2,000 महिलाएं निकलेंगी, 1,500 से 2,000। और इनमें सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं होगा। आप जैसे ही मंत्री जी से क्षमे ले लीजिए, हम 2-3 अनुदेशक नेताओं को आपके साथ भेज देंगे, अपनी समस्या बता देंगे, सुन लीजिए। और अभी आप लखनऊ में हैं, अभी आप बेहतर रख दीजिए, आदरणीय सुरेंद्र सर मिल जाएंगे इन लोगों के साथ, आपको बात करा देंगे। चूंकि सुरेंद्र सर 8 महीने से इसी बात पर चिल्ला रहे हैं कि इन्हें न्याय कैसे मिले। नहीं नहीं भाई साहब, भाई साहब बहुत वैसी समस्या है और इस समस्या को दूर कराने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। हम लोग डिबेट में इसीलिए जुड़ते हैं कि जो मूलभूत मुद्दे हैं, और काफी दिन से मैं देखता आ रहा हूं, जो पहली डिबेट में आया तो उसमें मुझे अनुदेशकों की भर्ती का ही मामला उसमें लगा। तो मैं कल एक बार तो मैं संदीप जी से बात कर ही लूंगा, उसके उपरांत इनका जो प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता हूं उनका समय तय करा दूंगा और ये तीनों मांगे मान ली जाएंगी। जहां तक क्योंकि इसमें कुछ ना मानने वाला कुछ है भी नहीं और इसमें कोई पैसा भी नहीं खर्च होना, जैसा शिवकुमार जी वैसे बता रहे हैं, तो इन्हें मनवा दी जाएंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ तो देखने वाले सरकार से ऊपर भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो चिंता ना करो बेटा। नहीं, ये ट्रांसफर की प्रक्रिया बहुत भयंकर, एक कैंसर रूपी इनमें हो गई अनुदेशकों में। मैं मानता हूँ कि जो आदमी 2,000 रुपया पेट्रोल में खर्च करेगा तो वो समझेगा कि 2,000 कागजी रूप से कोई बेच ना फंसने वाला कोई ऐसा काम ना हो,
कि जिसको करा ना जा सकता हो, विक्रम जी इसे में कोई ऐसी चीज ना हो जो करा ना जा सके, तो वो फिर नहीं तो हो जाएगी इसमें। हेलो सर, सरकार के पास सर बहुत पावर होता है सर, सरकार तो माई बाप होते हैं सर, सरकार जब जो चाहे कर सकती है। जी इनका जियो में लिखा है, जब नियुक्ति हुई थी तो जियो सरकार जारी करती है, उस नियुक्ति में लिखा है कि आपको गृह जनपद और होम ब्लॉक में रखा जाएगा, और उसी के आधार पर सरकार एक आदेश जारी कर दे प्रत्येक बेसिक शिक्षा अधिकारी को कि 3 महीने के अंदर जो भी अनुदेशक अपना समायोजन चाहते हैं वो अपनी एक प्रार्थना पत्र दे दें और एक दिन सूची जारी कर दी जाए। जो आपस में समायोजन कर सकते हैं वो आपस में समायोजन के विद्यालय दे दें, जो नहीं कर सकते तो वहां अगर जगह होगी तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, नहीं है उस विद्यालय में तो पास पड़ोस के विद्यालय उस एरिया के उस ब्लॉक में हो उनमें समायोजन कर दिया जाए, एक झंझट खत्म। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात सुरेंद्र सर ये है कि कल हरियाणा में रसोईया का वेतन 7,000 हो गया। रसोईया की शिक्षा प्राथमिक, बिना पढ़ा लिखा भी हो सकता है रसोईया। मैं प्रिंस जी से भी इस बात पर कहूंगा, प्रिंस जी आपकी ही सरकार हरियाणा में है, आपकी ही सरकार बिहार में है, बिहार में भी अनुदेशक का वेतन 20,000 रुपया है, उत्तराखंड में भी बेसिक शिक्षा मित्र अनुदेशक का वेतन 20,000 रुपया है, और यूपी में भी 7,000 है, और इनका कोर्ट केस डिसाइडेशन पर है। अगर सरकार चाहती तो कोर्ट केस से ये 3 बार जीत चुके हैं। सरकार इसको खत्म कर दे तो अनुदेशक और जो लड़ाई चल रही है जो बड़ी चर्चा में है, तो आप मुझसे कह रहे थे कि आप एक ये सब बनाए घूम रहे हैं, उनकी मांगे मनवाता हूँ, तो चाहे RSS के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगर इनका बैठ तो इनकी तारीख लगी है 11 जुलाई, और 11 जुलाई या जुलाई अगस्त में इनका मामला डिसाइड कोर्ट से हो जाएगा, जिस सरकार आ जाएगी। इसलिए उससे पहले अगर सरकार इनकी मांग मान लेती है तो ये सरकार के लिए बड़ा कदम होगा, और जनहित में किया गया फैसला बहुत अच्छा होता है, और उसको पूरा देश देखता है, पूरा प्रदेश देखता है, क्योंकि 2024 प्रस्तावित है। मैं वादा करता हूँ चार पांच संगठन है, 5 संगठन जिनकी मुख्य मांगे हैं, अगर उनकी मांगे मान ली जाए तो हो सकता है अच्छी अच्छी लोग थोड़ा क्या बोलना और ज्यादा के मांगों को मनवा दिया जाएगा, सही बातों को मनवाने के लिए ही सरकार बनी है।